एक डेटा है सर मेरे पास कि बिहार में पिछले एक साल में उद्योगों की स्थापना के लिए 38,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए, ये प्रस्ताव है, तो इसमें से कितने को आप जमीन पर उतार पाएंगे? देखिए 30,000 करोड़ तो इसमें इथेनॉल में ही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारा कोटा केंद्र से 18 करोड़ लीटर फिर 18 करोड़ मिला, सिर्फ 36 करोड़ लीटर, हमारे पास 172 करोड़ का बिड है, तो जितनी इंडस्ट्री इसमें आ रही है वो आ जाएगी। उसके बाद जो बेगूसराय में जो ब्रौनी में इंडस्ट्रियल एरिया हमें मिला, जो चीनी मिल की बंद जमीन थी वो हमें मिल गई, फिर मेगा फूड पार्क में हमारे पास सारे प्रपोजल्स हैं, तो इथेनॉल में जरूर है कि कोटा जैसे बढ़ता जाएगा वो सारे प्रस्ताव हो जाएंगे। अभी तक 17 प्रस्ताव मेरे पास मतलब अप्रूव्ड, सेकेंड फेज में ये जाकर करीब 10-12 हज़ार करोड़ हो गया जो जमीन पे आने लगा है, और इथेनॉल के प्लांट तो आने लगे हैं। हम टेक्सटाइल में बहुत बड़ी उम्मीद करते हैं क्योंकि जितने वर्कर लौटे थे हमारे उसमें ज्यादातर टेक्सटाइल के लोग लौटे थे, तो हमने तय किया अभी जब टेक्सटाइल वाले जो लोग हैं उनको हम मौका देंगे ज्यादा, तो अभी हमने एक टेक्सटाइल और लेदर की पॉलिसी ड्राफ्ट कर ली है, मुख्यमंत्री जी का अप्रूवल आएगा उनसे अभी चर्चा करेंगे, उसके बाद फाइनल उसको करेंगे, तो एक बहुत मूलचूल परिवर्तन होगा। हम जो एक ही सी पे जो लॉजिस्टिक पार्क बना रहे हैं सेंट्रल के सहयोग से जो अमृतसर कलकत्ता हाईवे पर, वो 2,000 एकड़ का पार्क है, उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, और भी हमारे पास बहुत से प्रपोजल हैं, हमारे पास तो इतने प्रपोजल हैं कि नजर न लग जाए, इसलिए मैं सबको बताने को तैयार नहीं। अच्छा। मैंने सोचा कि जो होगा वही बता रहा हूँ। नहीं आपका देखिए मैं देख रहा हूँ खादी पे भी बड़ा जोर है, मैं पढ़ रहा हूँ जो सारी डिटेल जानकारी मुझे मिली है रिसर्च के बाद कि खादी को बढ़ावा देकर रोजगार पैदा करने में जुटा है बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए कई खादी हैंडलूम मेलों का आयोजन आप लोगों ने किया है, इसके पीछे कुछ खास सोच है आपकी? देखिए महात्मा गांधी जी का बिहार माना जाता है, महात्मा तो बिहार से ही बने चंपारण आंदोलन से, और उनके सबसे बड़े भक्त हैं नीतीश कुमार जी, इसलिए महात्मा जी के बताए पद चिन्ह पर शराब को रोका उन्होंने, शराबबंदी की, लेकिन सिर्फ महात्मा जी के एक शराब पे विचार नहीं थे, उनके विचार खादी पे भी थे, तो खादी को भी उन्होंने कहा बढ़ाइए, तो पटना में बेहतरीन खादी मॉल है और उसमें पहले 1.5 लाख 2 लाख बिकता था, अब 10 लाख बिकता है रोज का। अच्छा। तो जो खादी का सामान है वहां बिक रहा, अब हम पूर्णिया में बनाने जा रहे हैं, मुजफ्फरपुर में बनाने जा रहे हैं, भागलपुर में बनाने जा रहे हैं, गया में बनाने जा रहे हैं, हम जो कमिश्नरी हेडक्वार्टर है पहले हम वहां ले जाएंगे, यानी बुनकर को बाजार देंगे, सिल्क सिटी भागलपुर माना जाता है रेशम, हाँ। और वो देखिए एकदम उससे कई आगे बेंगलोर निकल गया, हाँ, हाँ। ये बनारस निकल गया, हम भागलपुर में क्योंकि हम भागलपुर से सांसद रहे हैं, वहां के लोग अब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं भागलपुर का हूं, बल्कि इसलिए कि जो रेशम है रेशमी शहर की चमक को वापस लेके आ रहा हूँ। आप देखिए डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड का ऑफिस नहीं, मैंने पीयूष गोयल जी को लिखा, हमारा एक्सपोर्ट 0.52% है बस नेशनल शेयर में, तो हम अगर वहाँ नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने ये भी कोशिश की है कि यहाँ से एक्सपोर्ट हो पूरा, अब तो सत्तू भी अगर एक्सपोर्ट हो मखाना भी हो तो बिहार के अकाउंट में नहीं आता, वो बेंगलोर के अकाउंट में तो कलकत्ता हल्दिया के अकाउंट में आ जाता है, तो उसको भी हम डेवलप करने वाले हैं। तो आप ये मानिए कि मैं बिहार की जनता को जो एबीपी बिहार देख रहे हैं उनको, जो नौजवान हैं जो मुझसे भरोसा रखते हैं उनको आपके जरिए भरोसा दिलाता हूं कि मैं जितना मेरा अनुभव है जितनी मेरी क्षमता है जितनी ताकत है बिहार को उद्योग और रोजगार में कैसे डेवलप करें इसके लिए पूरी जान लगाई हुई है, ईमानदारी से काम कर रहा हूं और उसको करके दिखाओ। नहीं नहीं आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको सुनकर, क्योंकि बिहार के लिए उद्योग धंधे बहुत जरूरी हैं। अब मतलब कहते हैं ना कि एक वो समय आ गया है कि अब नहीं हुआ तो कभी नहीं हो पाएगा वाला मामला है, करना नहीं, करना ही पड़ेगा बिल्कुल। जो कमिटमेंट है 19 लाख रोजगार का, हमें 24 में लोकसभा के चुनाव में जाना है, 25 में हमें विधानसभा के चुनाव में जाना है, अभी तो सरकार को कोरोना काल 6 महीना सरकार को तो पूरा ये मुश्किल वक्त का की सरकार है, और हमें जनता ने मैंडेट दिया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी, हमने कमिटमेंट किया था कि जब हम जीतेंगे तो सरकार बनेगी, तो कंफ्यूजन कोई नहीं है। नहीं कंफ्यूजन नीतीश कुमार जी कंफ्यूजन क्या है मैं बताता हूँ, आप लोगों पर जो आरोप लगता है वो ये लगता है जैसे डबल इंजन की आपकी सरकार है, आप लोग हर जगह कहते हैं ना कि डबल इंजन का फायदा होगा, लेकिन ये डबल इंजन अगर एक ही पटरी पर एक ट्रेन को आगे पीछे ऐसे होकर खींचे तब तो फायदा होता है, और ये दोनों डबल इंजन दो पटरियों पर चलने लगे तो उसका फायदा तो होगा नहीं,
तो बीजेपी और जेडीयू में क्या उस तरह से सामंजस्य भी है जिसका फायदा होना चाहिए? देखिए, आप लोग ये भूल जाते हैं कि हम दो पार्टी हैं। बिल्कुल, हमारा हमारे नेता अलग हैं, हमारी नीति अलग है। आप बड़े भाई हो गए, फिर भी छोटे भाई आपको छोटा भाई कहा जाता है। हमारा झंडा अलग है, हमारा निशान अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। जरूरी नहीं जो हमारी विचारधारा वही उनकी हो, वो कई मुद्दों पे हमसे अलग भी दिखते हैं क्योंकि वो उनकी पार्टी अलग है। लेकिन हम बिहार के लिए इकट्ठे एकजुट हैं और इसलिए वो कन्फ्यूज़न नहीं है, वो विचार हैं। लोकतंत्र में विचार ही तो होते हैं। अब ये थोड़ी होता है कि कैबिनेट है तो सबके अलग अलग विचार होंगे, लेकिन जिस पर सर्वसम्मति बन गए वही विचार होगा। तो हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। वो थोड़े बहुत बयान वान आते हैं जब हम थोड़े नहीं बहुत बयान आते हैं अभी ललन सिंह जी ने भी बयान दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।